मंत्रोच्चारण के बीच एक दूसरे के बने जीवन साथी ब्लॉक एलिया खैराबाद पर सिंडी कसमंदर सिधौली बेहटवा में हुई शादियां। लहरपुर गुंदला मऊ महमूदाबाद पहला में बंधन में बंधे जोड़े, गुंदला मऊ में नहीं मिला खाना व पगड़ी। कार्यक्रम स्थल से नदारद रहे समाज कल्याण अधिकारी, नाराज हुए जनाती व बराती, बिना खाना खाए ही चले गए वरवधु। सीतापुर जिले के विभिन्न विकास खंडों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रविवार को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर मुख्यालय पर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में सामूहिक शादी का आयोजन हुआ। शहर के मुख्यालय पर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में 11 दिसंबर को 4 विकास खंडों द्वारा शादी का आयोजन किया गया, जिसमें 97 जोड़े शामिल रहे। इसमें विकास खंड एलिया से 27, परसिंडी से 14, ब्लॉक खैराबाद से 43, नगरपालिका खैराबाद से 3 जोड़े शामिल हुए। इसी तरीके से विकास खंड कसमंडा में भी 102 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, जिसमें विकास खंड कसमंडा सिंधौली में 51 जोड़े शामिल हुए। इसी तरीके से बेहटा में 89 जोड़े शादी के बंधन में बनेंगे, जिसमें बेहटा के 62 और लहरपुर के 27 जोड़े एक दूसरे संग फेरे लेते नजर आए। विकास खंड गुंदला मऊ में 62 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, विकास खंड महमूदाबाद में 99 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, महमूदाबाद में 51, विकास खंड पहला के 48 जोड़े शामिल हुए। वही राजकीय इंटर कॉलेज में सांसद राजेश मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, उन्होंने सभी वरवधु को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर डीएम अनुज सिंह समेत समाज कल्याण अधिकारी हर्ष वर्मा संबंधित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शादी की समस्त रस्में पंडित आशीष शास्त्री समेत 51 ब्राह्मणों द्वारा पूर्ण की गयी। ब्लॉक गुंदला मऊ में मुस्लिम 5 जोड़े व हिंदू समुदाय से 55 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। दीप प्रज्वलित करने के बाद सांसद विधायक गुंदला मऊ ब्लॉक से चले गए, लेकिन सामूहिक विवाह पंडाल में ग्राम विकास अधिकारी अमरेश कुमार, एडीओ एसपी सौरभ सिंह, एडीओ पंचायत मनोज सिंह के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। सांसद विधायक के साथ साथ जिलाधिकारी भी गायब हो गए। अधिकतर वर वधु के साथ आए परिजनों को बैठने तक की सुविधा नहीं थी। समाज कल्याण अधिकारी अश्वनी कुमार सामूहिक विवाह से गायब मिले, जबकि ये कार्यक्रम समाज कल्याण के द्वारा होना था। सबसे बड़ी बात, दूल्हे को सामूहिक विवाह में पगड़ी तक न नसीब हुई। अधिकतर जोड़े वहां आए और चले गए, तब जाकर खाना पहुंचा, जबकि मुस्लिम जोड़े तो सभी चले गए। शादी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं ब्लॉक स्तर पे, इसमें घूसखोरी बहुत तेज चल रही है। पहले तो 1,015 रुपये लिया जाता है कागज कम्प्लीट कराने का, उसके बाद में कहा जाता है कि शादी में जो 35,000 रुपये आएगा उसमें 15,000 नहीं दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया जाएगा। तो शादी कराने वाले जोड़ा मजबूरी में हाँ उनको बोलना पड़ता है कि हम देंगे पैसे, अगर नहीं देंगे तो उनकी शादी अधूरी रह जाएगी। शादी में न तो पगड़ी दी जाती है, खाने का चार्ट पैक दिए जाते हैं, 16,000 रुपये बक्सा और इन सब चीज़ों का काटा जा रहा है। तो किस लिए ये सब किया जा रहा है, जबकि हमारी सरकार कहती है मैं निष्पक्ष कार्य कर रहा हूँ, तो इस पर विशेष कर ध्यान दिया जाए, इसको विशेष स्तर से संगीन में लिया जाना चाहिए। आप कितने विश्वास के साथ कह सकते हैं किस व्यक्ति ने आपके पैसा मांगा? के हिसाब से कह सकते हैं 1% मैं सही बोल रहा हूँ, और बाय जरूरत पर मैं इसकी रिकॉर्डिंग बाय दिखा दिया जाऊँ कि फ़ोन किया गया, अगर 15,000 नहीं दोगे आपकी फाइल रिजेक्ट करा दी जाएगी, तो हमने मजबूरी में हमें ओके करना पड़ा। आपके किसी परिवार में फैमिली से किसी की शादी थी? हमारी भतीजी लक्ष्मी की जो मीरापुर निवासी, उसके पिता मर गए हैं, विधवा औरत है उसकी मम्मी राम मकस, उसके पापा का नाम है और लड़के का नाम है विकास, जो बीबीपुर का निवासी है। जरूरत पड़ने पे मैं बाय सारी चीज़ें मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन इस पर विशेष कर संज्ञान दिया जाए कि अगली बार ऐसा न किया जाए। जो गरीब परिवार हैं चाहते हैं थोड़ा मिल जाए, उनको क्या मिलेगा, 35 में 20 मिलेगा, उनको क्या मिलेगा? किन किन अधिकारियों पर आरोप है, ये कौन कौन ऐसे? अब जो वहाँ पे जो दलाल स्तर पे जो दलाल लोग कराते हैं, कहते डायरेक्ट तो आपकी फाइल करी नहीं जाएगी, ठीक है, तो उनको जाके जनता मिलती है, वो कहते अधिकारियों को भी पैसा दिया जाता है, सब अधिकारियों को दिया जाता, तभी पैसा मिल पाएगा वरना नहीं मिल पाएगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ गवर्नमेंट से, इस पर विशेष कर ध्यान दिया जाना चाहिए। एडवोकेट रामनेश शर्मा, लखनऊ।